नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मैरीगोल्ड के पौधे को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट आप जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप किसी भी पौधे में लागू कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सीडलिंग्स हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट, आप उनमें भी इस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और बहुत ही ईजी टू है। कई लोगों की ये क्वेरीज आती है कि भाई उनके पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद मर जाते हैं, मतलब मैंने कई बार देखा गया है कि ऐसी प्रॉब्लम लोगों को होती रहती है जो कि न्यू गार्डनर्स हैं। तो उनके लिए मैं आपके वीडियो लेकर आया हूँ। आपको जो है बहुत ही अच्छी मैं इसमें जो है ज्ञान देने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझ लीजिए आपके आज उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कभी भी कोई पौधा नहीं मरेगा और कोई ज्यादा फालतू इसमें बातें नहीं होने वाली है। आपको जो एकदम मेन है वो आपको बताऊंगा, आलतू फालतू नहीं बोलूंगा कि इसे यहाँ पे रखे इसे यहाँ पे रखे। कोई भी पौधा दोस्तों आप डायरेक्ट सनलाइट पे रखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है मेरे हिसाब से, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बताता है। ये मैरीगोल्ड के पौधे दोस्तों मैंने अपने घर में जो पूजा पाठ के लिए बीज फूल आते हैं मैंने उनको ही उगाया है, उन्हीं से उगाया है। कैसे उगाया है मैं आपको बता देता हूँ। उन मैंने फूलों को जो है एक माला को जो है धूप में रख देता हूँ और सूख एकदम ककड़ी जैसी हो चुकी थी एकदम, उसका जो उसके ब्राउन ब्राउन फूल आप तोड़ेंगे तो बीज निकलते हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर के, तो उसको मैंने ऐसे छिड़काव करके दो लेयर मिट्टी की लगा दी थी और इसका जो है 15 दिन के बाद इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से जरूर उगाएं मैरीगोल्ड को। मैरीगोल्ड को दो तरीके से उगा सकते हैं आप, एक कटिंग से और एक सीड से, दोनों ही बहुत ईजी मैटर है। कटिंग आपको थोड़ी इस टाइम न्यू ब्रांच लेनी है, उसको लगा देना मिट्टी में, वो भी अच्छे तरह से लगाई जा सकती है। मैरीगोल्ड का पौधा जो है विंटर सीजन का, हालांकि दोनों सीजन में पौधा मिल जाएगा लेकिन विंटर सीजन इसका पसंदीदा सीजन है, इसे जरूर उगाइए। देखिए विंटर सीजन में मेरे गार्डन में क्या क्या लगाया आप देखते चलिए, मैं आपको जानकारी देते चलता हूँ। ये फ्रेंच बीन्स है, देखिए ओस के कारण इसके पत्ते कितनी पीली हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों मैरीगोल्ड के पौधे को आप जब भी ट्रांसफर करें तो उसकी जो है सेकंड लीव्स आ जानी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप कोई भी पौधे को जो है ट्रांसप्लांट करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। तो अभी मैं इसको ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ, एकदम नर्सरी के जैसे वो करते हैं माली लोग करते हैं वैसे ही आपको दिखाने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस मिट्टी को 24 घंटे पहले भिगो लेना है। और मैरीगोल्ड के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, तो सामान्य मिट्टी भी चल जाती है लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी है भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे स्पेस खाली कर रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। मैं दोस्तों जहाँ भी आप सीडलिंग लगाने वाले हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे पॉट हो चाहे ग्रो बैग हो, उसको आप 24 घंटे पहले या फिर 1-2 घंटे पहले पानी से एकदम भिगो के रख दें, यानी कि मिट्टी को गीला कर दीजिए, एकदम गीला किचड़ नहीं करना, यानी कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। वैसे एकदम गीली मिट्टी कर देनी है जिसमें पौधा टिक सके, आपको वैसी मिट्टी करनी है। तो मिट्टी देखिए मैंने अभी इसको भिगा दिया, देखिए मैंने वेस्ट मटेरियल से कितना अच्छा ये बना दिया है हमारा पानी देने वाला कैन, तो इसको आप जरूर देखिएगा, इसका वीडियो में आने वाला है हमारे चैनल पर। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको जो है पानी से आपको सबसे पहले अपनी मिट्टी को भिगा देना है। और पॉटिंग जब भी आप याद रखें, जब भी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 24 घंटे पहले मिट्टी को यदि नहीं भिगाएंगे तो, और आप डायरेक्ट ऐसी सूखी मिट्टी में पौधा लगाकर पानी दे देंगे तो पौधा मरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरीके से लगाएंगे तो कभी आपके पौधे नहीं मरेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह लगा रखे थे मैंने, देखिए मेरी मिट्टी ने अब सारा पानी सूख लिया। आपकी मिट्टी जब पानी सूख लेंगे तो आप उसमें उंगली से छेद करके पौधे को दबाते जाइए, लगाते जाइए। आप पौधे को उखाड़ेंगे कैसे, यदि आपने पॉट में लगा रखा तो आपको उसे उंगली से उखाड़ उखाड़ के लगाना है जब उसकी सेकंड लीव आ जाए। यदि आपने सीलिंग ट्रे में लगाया तो आप डायरेक्ट सीलिंग ट्रे से निकालिए, उसमें तो रूट के साथ ही आता है एकदम, तो उससे तो और आसान हो जाता है। लेकिन आप यदि मेत्र उगा रखा आपने सीडलिंग, मतलब वैसी पॉट वगैरह में लगा रखा जमीन इत्यादि में, तो आप उस तरीके से उसे एकदम उखाड़िए। आप कहीं चम्मच से कई लोग निकालना शुरू कर देते हैं तो उसके एक्स्ट्रा मिट्टी आ जाती है, वो फालतू है। आप जब बिल्कुल ऐसे उखाड़ेंगे उंगली से तो अच्छे से निकल जाएगा। आपको निकाल के एक होल बनाना है, छेद उंगली से छेद कर लेंगे उंगली सहायता से, उसका उसमें पौधों को आपको रख देना है अपने, फिर जो आपको साइड साइड से दबा दे रहे हैं दोस्तों। जब आप सीडलिंग लगा देंगे इस तरीके से आप देख रहे होंगे, देखते जाइए मैं आपको बताता रहता हूँ जानकारी है। सीडलिंग लगाने का आपको पानी कब देना है, जब इसकी मिट्टी ये वाली सूख जाए। कई लोग क्या करते हैं आज पानी दे दिया और कल सुबह दोबारा उठकर आ देंगे पानी डाल देंगे, इससे आपके पौधे जरूर मरेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मरने वाली भी। इसलिए आपके कभी ऐसी गलती ना करें कि आप आज पानी दे रहे सुबह दोबारा, कि जब सीडलिंग को जब भी पानी दिया जाएगा जब उसकी ऊपर वाली मिट्टी सूख जाए। और सीडलिंग लगाने से पहले आपको 24 घंटे पहले मिट्टी या फिर 1 घंटे पहले मिट्टी को भिगा देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कोई भी सीडलिंग लगाइए कभी नहीं मरेगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैरीगोल्ड का पौधा बहुत ही आसानी तरीके से लगाया जा सकता है और इसको कोई ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती दोस्तों। मैरीगोल्ड के पत्ते में भी यानी कि बहुत आयुर्वेदिक लाभ है, कहा जाता है जहाँ से जो आपके खून वगैरह निकल रहे थे आप मैरीगोल्ड के पत्ते को घिस के लगा लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा मतलब फायदा करता है। इसलिए मैरीगोल्ड का पौधे को जरूर ऐड कीजिए, इतने कलरफुल इसके फ्लावर होते हैं। और आप इसे अपने जो है घर में पूजा पाठ के लिए जो फूल आते हैं उनसे जरूर उगाइएगा, और आप चाहे तो जो है अच्छी क्वालिटी के सीड से भी लेकर उगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से ट्रांसप्लांट किसी भी प्लांट को कर सकते हैं। देखिए मैंने टमाटर को भी इस प्रकार से ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं तो ग्रो बैग में लगा रहा हूँ। और आपको कोई धूप वगैरह भी नहीं रखना है, मतलब कोई भी ऐसा लागू नहीं है कि आप इसे शेडिया में रखेंगे 15 दिन और 15 दिन धूप में रखेंगे, नहीं, जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे रखें, चाहे शेडिया हो चाहे कोई सा भी एरिया हो, लेकिन जब पौधा बड़ा होने लग जाए तब जाके इसे आपको शेडिया में नहीं रखना है, धूप में रखना है।